हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यू कैन स्पीक किट एंड कॉन्सेप्ट। आज का जो मेरा सर से क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने के साथ में इंटरेस्टिंग भी है। आज का जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है, टू बीस के जो फॉर्म्स है एमिजार वॉसबर बी बिंग बिन, ऐसे क्यों बने हैं ये? क्योंकि इसके जगह दूसरे भी नाम हो सकते थे, टू बी के बाद में एम आया तो वहां पर टू ई हो सकता था, टू फी हो सकता था, ऐसे और भी नेम हो सकते थे। और सेकेंड क्वेश्चन जो है कि स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर में इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इनका यूज क्या है, इनका उपयोग क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। टू बीस के जो फॉर्म्स है मैडम, ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं। अगर आपको ये टू बीस के फॉर्म्स नहीं पता है, हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स नहीं पता है, तो आप कभी भी स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर नहीं सीख सकते हो। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है, ये टू बीस के फॉर्म्स ऐसे क्यों बने हैं? इट मींस टू के बाद क्या है? बी है। yes. अगर मैं टू डी करता, टू फी करता, टू ई करता, एक सेंटेंस में आपको देता हूं, आई विल बी ईटिंग अ मैंगो, वहां पे बी क्या है? ये टू बीस का फॉर्म है। yes. उसकी जगह पे अगर मैं आपको डी कर देता हूं और आपको डी रखना है, तो सेंटेंस आप कैसे बना सकते हो? आई विल टी ईटिंग अ मैंगो। आई विल टी ईटिंग अ मैंगो। अगर मैं फी कर देता तो आई विल फी ईटिंग अ मैंगो। कैसा लगता है? थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अजीब लगता है। भाषा को प्रभावित करने के लिए इसके साथ ग्रामर में और स्पोकन में भाषा प्रभावित करने के लिए ये टू बीस के फॉर्म्स बने हैं। लेकिन इनके उपयोग क्या है और ये क्यों बने हैं? लेकिन टू बी के फॉर्म्स कौन से हैं? एम इज आर वॉज वर बी बीइंग बीन। क्यों ये हैव एज हैड नहीं है? नो सर। डू डज डिड नहीं है? नो। लेकिन ये सब हेल्पिंग वर्ब्स है। यस। लेकिन इनको एक शार्प मिला है मैडम। कौन से फॉर्म को शार्प मिला है पता आपको? बी बीइंग बीन। टू बीस के फैमिली में मेंबर्स कौन से, क्या आप मुझे बता सकते हो? टू बीस के फैमिली के मेंबर्स एम इज आर वॉज वर बी बीइंग बीन। तो ये टू बीस के फैमिली के मेंबर है। इसमें मेन कौन है? टू बी। टू बी है। इट मींस ये टू बी का खानदान है। यस। लेकिन इनका उपयोग हम कर्ता के बाद भी कर सकते हैं। ऐसे कौन से हेल्पिंग वर्ब्स है जिनका उपयोग हम कर्ता के बाद कर सकते हैं? एम इज आर वॉज वर, बस इनका यूज हम कर्ता के बाद कर सकते हैं। इट मींस बी बीइंग बीन को हम कर्ता के बाद यूज नहीं कर सकते हैं। No. तो इनको एक शाप मिला है और इनको एक वरदान मिला है। लेकिन मैडम ऐसा नहीं है। अगर इनको शाप मिला है, इनको कुछ वरदान भी मिला है। और वो वरदान पता है आपको क्या है? No, sir. इनके यूजेस हम कैसे कैसे कर सकते हैं? आपका क्वेश्चन क्या है, ये टू बीस के फॉर्म्स ऐसे क्यों बने हैं, मतलब बी बीइंग बीन ऐसे क्यों बने हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है मैडम, पहला यूज हम देख सकते हैं कि जो टू बीस के फॉर्म्स है वो स्टेट टू टेंसेस बनाने के लिए हम कर सकते हैं। स्टेट टू टेंसेस क्या होते हैं ये पढ़ने से पहले क्या आप मुझे बता सकते हो? अमेज़न ये प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। यस। एम का पास्ट टेंस क्या है? वाज। इज का पास्ट टेंस? वाज। आर का पास्ट टेंस? वर। अमेज़न हम प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे, वाज वर हम पास्ट टेंस में यूज करेंगे। लेकिन ये बी बीइंग बीन इनका रोल क्या है, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। लेकिन अगर मुझे स्टेट टू टेंसेस बनाने हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है आई एम रिच, मैडम ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है? नो सर, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है सर। सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो ऐसा आता है ना, आई गो, आई प्ले, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ, वो आता है, वहां पे आपको एक्शन मिलती है। yes. लेकिन आई एम रिच इसमें क्या आपको एक्शन मिल रही है? नहीं सर, क्वालिटी मिल रही है, रिच अमीर होने की। यह क्या है? एक प्रकार का एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पे आपको कौन सा भी एक्शन वर्ब नहीं मिलेगा। तो एम क्या है? ऑब्वियसली टू बीस का फॉर्म है। आई एम रिच तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं है, अपूर्ण वर्तमान काल नहीं है। तो यहाँ पे यह स्टेट टू टेंस है, लेकिन स्टेटस वाला प्रेजेंट टेंस है। टू बीस का सिंपल प्रेजेंट टेंस हम उसे नाम दे सकते हैं। यहाँ पे देखो, आई वॉज मैड, मैं मैड था, ये कौन सा टेंस है? ये सर सिंपल पास्ट टेंस है, क्वालिटी वाला, एडजेक्टिव है। टू बीस का सिंपल पास्ट टेंस है। क्यों है? एम का पास्ट टेंस वाज है, मैं मैड था, इसमें एक्शन मैड होने की है? नो सर, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। तो मैं मैड था, इट मींस भूतकाल में मेरी वो स्टेटस थी, कौन सी क्रिया नहीं थी। तो स्टेट टू टेंसेस बनाने के लिए हम टू बीस के फॉर्म्स यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने टू बीस के जो फॉर्म्स है पास्ट टेंस वाले, इनका उपयोग किया है। इसी प्रकार आप यहाँ पे देख सकते हो, दे आर हियर, यह भी कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। लेकिन कौन सा है? टू बीस का सर। टू बीस का सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यह स्टेट टू टेंस है। स्टेट टू टेंसेस इट मींस व्हाट मैडम? सर यहाँ पर हमें स्टेटस या क्वालिटी मिलती है। स्टेटस या क्वालिटी मिलती है, वो स्टेटस या क्वालिटी प्रेजेंट टेंस में भी हो सकती है, पास्ट टेंस में भी हो सकती है, फ्यूचर टेंस में भी। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे देखो, आई हैव बीन हियर, ये कौन सा टेंस है? पूर्ण वर्तमान काल, प्रेजेंट वर्तमान काल है। लेकिन यहाँ पे लॉन्ग स्टेटस है। yes. हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहला उपयोग क्या है? टू बीस के जो फॉर्म्स है ये स्टेट टू टेंसेस बनाने के लिए, जहां पे हम एक्शन वाले टेंसेस नहीं बना सकते, वहां पे टू बीस के फॉर्म की सहायता से हम स्टेट टू टेंसेस बना सकते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस। यहां पे देखो, कंटीन्यूअस टेंसेस बनाने के लिए हम टू बीस के फॉर्म्स का उपयोग कर सकते हैं। yes. अभी मुझे फिर से बताओ, टू बीस के जो फॉर्म्स है, टू बीस की जो फैमिली है वो कौन सी है? सर, एम इज आर वाज वर बी बीइंग बीन। एम इज आर वाज वर बी बीइंग बीन। इनके आगे
आगे अगर मुझे वर्ब को आईएनजी लगाना है तो मैं कंटीन्यूअस टेंस फॉर्म कर सकता हूँ। लेकिन एक रूल मैं बताता हूँ आपको, मुझे ऐसा सेंटेंस दिखाओ वर्ब को आईएनजी नहीं है, उससे पहले टू इज का फॉर्म नहीं है और वो कंटीन्यूअस टेंस है, ऐसा वाक्य हो ही नहीं सकता, ऐसा टेंस हो ही नहीं सकता। तो दूसरा उपयोग क्या है इस टू इज के फैमिली का? सर हम वहाँ पर आईएनजी लगाने के लिए टू इज की फैमिली का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे गोइंग से पहले क्या है? एम है। प्लेइंग से पहले क्या है? इज। इस प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में है? सर प्रेजेंट टेंस में है। दे आर ईटिंग, यहाँ पे ये कौन सा टेंस है? सर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। क्यों मैं सिंपली ऐसा बोल सकता हूँ दे ईटिंग? नो सर, यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए। कौन सा चाहिए? आर चाहिए। आर क्या है? सर आर टू बीज का फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस का फॉर्म है। तो मैं कंटीन्यूअस टेंसेस टू बीज के फॉर्म की सहायता से बना सकता हूँ। तो कंटीन्यूअस टेंसेस बनाने के लिए हम टू बीज के फॉर्म्स का उपयोग करेंगे। लेकिन और एक इंपॉर्टेंट थिंग, इस टू बी के फॉर्म की सहायता से आप टेंस को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अगर गोइंग से पहले एम है, प्रेजेंट टेंस है, तो ये कौन सा टेंस है? गोइंग से पहले तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। यहाँ पे आई वाज गोइंग है, गोइंग से पहले वाज है, तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। आपने कैसे पहचाना? सर वाज है यहाँ पर इसीलिए। वाज है इसलिए पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। यहाँ पे देखो आई विल बी ईटिंग, विल से पहले क्या है यहाँ पे? बी। लेकिन यहाँ पे अमेज़न नहीं है। नो सर। लेकिन यहाँ पे विल है। यस। लेकिन ये कंटीन्यूअस टेंस है। यस। तो बी हम कहाँ पे यूज करेंगे? फर्स्ट फॉर्म में यूज करेंगे। यस। तो बी या फर्स्ट फॉर्म भी हो सकता है। इट मीन सेकंड यूज क्या है? कंटीन्यूअस टेंसेस बनाने के लिए हम टू बी के फॉर्म का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट यूज हम देख सकते हैं स्टेटिव मॉडल टेंसेस। अभी स्टेटिव मॉडल टेंसेस कौन से? अगर मुझे सिंपल फ्यूचर टेंस बनाना है, अगर मुझे बोलना है मैं वहां पे रहूंगा, तो ये सेंटेंस आप कैसे बोलोगे? आई विल बी देयर। आई विल बी देयर। लुक हियर, सपोज I will write here, I will reach. क्या यह construction balance है? No sir, balance नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि will के बाद verb का first form चाहिए और यहाँ पर adjective लिया है आपने। Reach यह verb नहीं है। No. तो इसे हमें balance करना है। मैं अमीर रहूंगा, इसमें action है? No. नहीं है। तो I के बाद will है, will के बाद be है, तो be क्या है? To be का form है। तो to be के form में इनको भी balance किया है। Will क्या है? एक प्रकार का model है। Model है। Models कौन से हैं? Will, would, shall, should, can, could, may, might, must, had to, dare, need। तो यह models हैं। Yes। यहाँ पे देखो, he will be a doctor। अगर मैं simply ऐसा बोलता हूँ he will a doctor, क्या यह construction balance है? No sir, balance नहीं होगा ये। तो सहायता किसने की हमें? बी ने। तो टू बीज के इस फॉर्म ने हमें सहायता की। इसी प्रकार कैन के आगे हम बी रख सकते, शुड के आगे बी रख सकते। yes. तो स्टेटिव मॉडल टेंसेज जो होते वहां पे टू बीज के फॉर्म का उपयोग होता है। नेक्स्ट यूज मैडम आप देख सकते हो, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में हम बिन का उपयोग करते हैं। बिन क्या है? यह टू बीज का फॉर्म। yes. अगर आपको कोई बोलता है बिन क्या है, तो आपके अलग अलग आंसर चाहिए। बिन क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी है, मेन वर्ब भी है, टू बीज का फॉर्म है। बी का थर्ड फॉर्म क्या है? बीन है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं दोस्तों। इससे पहले हमने कई सारे क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में दिए हैं। अगर आप पहले वीडियोस नहीं देखते हो तो उनको पहले देखो, तो आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ पे देखो, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में हम बीन का उपयोग करेंगे। इट मींस व्हाट मैडम? इट मींस सर पूर्ण अपूर्ण काल में हम बीन का यूज कैसे करेंगे आप हमें बताएंगे। okay. सर ये सेंटेंस कौन से टेंस का है? ये सर हमारा सर पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल का सेंटेंस है। I have been reading since morning. मुझे बताओ यहाँ पे बीन का रोल क्या है? सर बीन ने हैव को थर्ड फॉर्म लगाने में मदद की, मतलब हैव के बाद हमें थर्ड फॉर्म चाहिए था, इसलिए हमने बीन का यूज किया। तो और इस यहाँ पे क्या है? थर्ड फॉर्म है। और यहाँ पे बीन के बाद क्या है? सर वर्ब को आईएनजी है। इट मींस ये कंटीन्यूअस टेंस है। yes. बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है, बी वाज बीन, तो ये परफेक्ट टेंस है। और बीन के बाद टू बी के फॉर्म के बाद क्या है? रीडिंग। लेकिन इससे पहले हमने अमीजार वाज वर्ब के बाद वर्ब को आईएनजी लगाया था। लेकिन यहाँ पे बीन के बाद रीडिंग है, इट मींस इनके आगे हम वर्ब को आईएनजी लगा सकते। अमीजार के बाद अगर हम वर्ब को आईएनजी लगाते तो कौन सा टेंस होता है? कंटीन्यूअस टेंस होता है। वाज वर्ब के आगे पास्ट कंटीन्यूअस होता है। और बीन के आगे अगर हम वर्ब को आईएनजी लगाते और उससे पहले अगर हैवेज है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। अगर हैड के बाद हम बीन लगाते हैं और उसके बाद वर्ब को आईएनजी लगाते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस होते हैं। यहाँ पे बीन स्टेटस भी दर्शाता है, लॉन्ग स्टेटस या लॉन्ग एक्शन। यह एक बड़ा टॉपिक है मैडम, हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इनका उपयोग हम कहाँ पे कर सकते हैं? परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंसेस में बीन की सहायता से। लेकिन यहाँ पे हम बी का उपयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट यूज मैडम हम देख सकते हैं इन पैसिव वॉइस में हम टू बी के फॉर्म का उपयोग करेंगे। अगर आपको कौन सा भी पैसिव वॉइस करना है तो मैं आपको एक टेक्निक देता हूँ। आपको तुरंत किसी भी सेंटेंस में पैसिव वॉइस को पहचानना है तो सबसे पहले आपको क्या पता होनी चाहिए? टू बी के फॉर्म पता होने चाहिए। टू बी के फॉर्म्स पता होने चाहिए। कौन से हैं? अमीजार वाज वर बी बीइंग बीन। बस इतने ही है। इनके आगे अगर वर्ब को थर्ड फॉर्म आता है तो आप बेशक पैसिव वॉइस का सेंटेंस बोल सकती हो। लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म और कौन से टेंसेस में आता है? सर वर्ब का थर्ड फॉर्म पूर्ण काल में आता है। पूर्ण काल में आता है। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है, क्या आप यह देख के मुझे बता सकते हो यह जो स्ट्रक्चर है टेंस है कौन सा है? पूर्ण वर्तमान काल है। और हैज के आगे वर्ब का क्या थर्ड फॉर्म है?
आई हैव टॉट, इट मींस मैं पढ़ा चुका हूँ, पढ़ाने की क्रिया कंप्लीट हो चुकी है. तो वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, लेकिन किससे पहले आया है? हैव से पहले. और यहाँ पे हैज से पहले. वो पढ़ा चुका है, ही हैज टॉट. राम पढ़ा चुका है, राम हैज टॉट. मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन. आपने देख चुका है, यू हैव सीन. तो सीन क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म है. लेकिन मैडम क्या कभी ऐसा हो सकता है एम इज आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा? क्या ये कंटीन्यूअस टेंस होगा? नो सर. तो ये कौन सा टेंस है? ये एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस है? सर ये पैसिव वॉइस है. तो पैसिव वॉइस का मतलब क्या है? हमारे दर्शक तो बाद में समझ लेंगे, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए जब एम इज आर के बाद वर्ब को आईएनजी नहीं आता है तो वो पैसिव वॉइस होता है. यहाँ पे देखो, आई एम टॉट, इट मीन्स मुझे पढ़ाया जाता है. आई एम टॉट बाय राहुल सर, मुझे राहुल सर के द्वारा पढ़ाया जाता है. इट मीन्स राहुल सर टीचर्स मी. ये बड़ा टॉपिक है. तो यहाँ से आपको क्या पता चलता है? अगर आपको टू बीज के फॉर्म के बाद वर्ब का फॉर्म मिलता है तो वो कौन सा वॉइस होता है? सिर्फ पैसिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस होता है. लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको परफेक्ट टेंसेस में भी नजर आ सकता है, वहां पे वो पैसिव वॉइस नहीं होता है. मुझे बताओ, अगर आपको बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखेगा तो वो एक्टिव वॉइस होगा या पैसिव वॉइस होगा? पैसिव वॉइस होगा सर. वो बीइंग के आगे अगर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखेगा तो वो कौन सा वॉइस होगा? पैसिव वॉइस होगा. तो देखो, टू बीज के जो फॉर्म्स है इनके कई सारे उपयोग है. इनके बिना स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर क्या है मैडम? व्यर्थ है. अ लेटर कैन बी रिटन, कौन सा वॉइस होगा ये? सर ये पैसिव वॉइस है. क्यों होगा? कैन के बाद में बी का यूज है और उसके बाद में वर्ब को थर्ड फॉर्म लगाया हुआ है. लेकिन बी के आगे वर्ब का क्या है? थर्ड फॉर्म है. लेकिन जब हमने फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस पढ़ा था, आई विल बी राइटिंग अ लेटर, आई विल बी राइटिंग, वहां पे बी के बाद राइटिंग आया था. yes. तो वो एक टेंस था, वो एक्टिव वॉइस होगा. और यहाँ पे यह क्या है? पैसिव वॉइस है. इंग्लिश इज टॉट बाय राहुल सर, यहाँ पे इज के बाद वर्ब को तो आईएनजी लगना चाहिए ना? नो सर, यहाँ पैसिव वॉइस है इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है. तो ये पैसिव वॉइस है. देखो इतने सारे यूजेस है, और भी कई सारे यूजेस से हम शॉर्ट में पढ़ते. ड्वेल सिम रोल बी बिंग बिन. मैडम इनको एक शार्प मिला है. yes. पहले मैंने आपको बोला था वो शार्प कौन सा था? बी बिंग बिन को एक शार्प मिला है. देखो एम इज आर प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे, वाज वर हम पास्ट टेंस में यूज करेंगे, लेकिन बी बिंग बिन इनको एक शार्प मिला है. वो कौन सा शार्प है? सर जो इनको शार्प मिला हुआ, इट मींस बी बिंग बिन को इनको कर्ता के बाद डायरेक्टली हम यूज नहीं कर सकते हैं, और इनको हम यूज कर सकते हैं. लेकिन इनको एक वरदान भी मिला है. वो कौन सा वरदान है? इनका उपयोग हम ड्वेल सिम जैसा भी कर सकते हैं. यहाँ पे देखो बिन क्या है? ड्वेल सिम है. यह क्या है? ड्वेल सिम है. ड्वेल सिम का मतलब क्या है मैडम? सर इसका मतलब ये होता है कि एक सिम नहीं चलती तो दूसरी चलती है, नहीं तो दोनों का ही हम यूज एट ए ग्लांस कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बिन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इट मींस वर्ब की तरह काम कर रहा है. yes. और टू बीज के फॉर्म के बाद वर्ब को क्या है? आईएनजी. इट मींस हेल्पिंग वर्ब की तरह ये काम कर रहा है. इट मींस यह मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है, मेन वर्ब की तरह भी काम कर रहा है. और टू बीज के फॉर्म के बाद वर्ब को क्या है? आईएनजी. इट मींस यह एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम कर रहा है. तो यहाँ पे बिन का रोल क्या है? ड्वेल सिम जैसा है. इंग्लिश हैज बीन टॉट बाय मी, यहाँ पे भी बिन का रोल क्या है? ड्वेल सिम जैसा. ड्वेल सिम जैसा है. लेकिन इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय राहुल सर, यहाँ पे बीइंग का रोल क्या है? क्या मुझे बता सकते हो? सर बिल्कुल सर, बीइंग का रोल मतलब ड्वेल सिम की तरह है. यहाँ पर वो कैसे? क्योंकि बीइंग ने टॉट को थर्ड फॉर्म लगाने में हेल्प की है. बीइंग क्या है? सर बीइंग टू बीज का फॉर्म है. सर टू बीज का फॉर्म है. इसके बाद बीइंग क्या है? सर इज ये हमारा पहले से टेंस में था, लेकिन पैसिव वॉइस बनाने के लिए टू बीज का फॉर्म चाहिए, इसलिए हमने बीइंग का यूज किया है. लेकिन इसके बाद वर्ब को क्या है? आईएनजी है. बी को आईएनजी मतलब क्या है? बीइंग. राइट को आईएनजी? राइटिंग. तो यहाँ पे इसके बाद बी को आईएनजी, इट मींस बीइंग है. इट मींस यह कंटीन्यूअस टेंस है. वर्ब को आईएनजी लगाया है, इट मींस मैंने टेंस को बैलेंस किया है. और यहाँ पे देखो बी के आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इट मींस टू बीज के फॉर्म के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है. यह पैसिव वॉइस का रूल. तो बिंग यहाँ पे ड्यूल सिम जैसा काम करता है. तो इतने सारे यूजेस हम यहाँ पे देख सकते हैं. और एक यूज मैं आपको बताता हूँ. मैडम क्या आपको कभी ऐसा मन में क्वेश्चन आया है? अगर बी वॉज बीन, बी क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म. yes. जैसे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक. हम ड्रिंक कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं? जैसे अगर मैं बोलता हूँ आई राइट अ लेटर, यह सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, पैसिव वॉइस का है? एक्टिव वॉइस का सर. कौन से टेंस का सेंटेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस. यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का है. मैं खत लिखता हूँ. अगर मैं सिंपली बोलता हूँ राइट, तो इसका मतलब क्या होता है? लिखो. लिखो, ये मेरी आज्ञा. लिखो मैडम, यहाँ पे लिखो. राइट हियर. वहाँ पे लिखो. राइट देयर. मेरे साथ लिखो. राइट विथ मी. आपके पिताजी के साथ लिखो. राइट विथ योर फादर. यह एक प्रकार का इंपेरेटिव सेंटेंस होता है. क्या आपके मन में ऐसा कभी डाउट आया है? अगर बी मेन वर्ब की तरह काम करता है तो क्या बी का भी उपयोग हम इंपेरेटिव सेंटेंस जैसा कर सकते हैं? हाँ सर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कर सकते हैं क्या? अगर मैं सिंपली बोलता हूँ बी बी बी, क्या यह कंस्ट्रक्शन बैलेंस होगा? नहीं सर, बी का मतलब होता है होना. होना. लेकिन अगर मुझे बोलना है खुश रहो, तो
मैं कैसे बोल सकता हूँ? सिंपली हैप्पी बोल सकता हूँ? नो सर, बी हैप्पी बोलना होगा। बी हैप्पी मुझे बोलना पड़ेगा। क्यों ऐसा बोलना पड़ेगा? क्योंकि सर ये एडजेक्टिव है ना, इसीलिए। इंपरेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत है वो किससे होती है? वर्ब से, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से होती है। अगर मैं बोलता हूँ खत लिखो, राइट अ लेटर, लेकिन मैं सिंपली अ लेटर नहीं बोल सकता। नो। अगर मैं बोलता हूँ फास्ट, फास्ट क्या नहीं है? वर्ब नहीं है। वर्ब नहीं। तो मैं सिंपली फास्ट नहीं बोल सकता हूँ, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ बी फास्ट, फास्ट रहो। तो इसीलिए इंपरेटिव सेंटेंसेस में जो एक्शन से हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस नहीं बनते हैं, वहां पे हम बी का उपयोग कर सकते हैं। मैडम खुश रहो, बी हैप्पी, फास्ट रहो, बी फास्ट, केयरफुल रहो, बी केयरफुल, यहाँ पे रहो, बी हियर, वहां पे रहो, बी देयर, वहां पे मत रहो, डोंट बी देयर। तो इसका नकारात्मक फॉर्म भी ऐसा होता है, डोंट बी देयर। और भी कई सारे यूजेस है। अगर हमारे दर्शकों को यह नहीं आता है तो स्पोकन इंग्लिश और ग्रामर का यह टॉपिक सबसे हार्ड है। तो फ्रेंड्स आपको क्या पता चला? जो हमने अभी अभी क्वेश्चंस देखे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पता नहीं चलता है, एम इज आर, वाज, वर, बी, बीइंग, बीन, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, विल, वुड, शैल, शुड, इनके और भी कई सारे उपयोग है, जैसे हम वर्बल क्वेश्चंस बनाने के लिए करते हैं, वो हमने हमारे ग्रामर के कोर्स में बहुत ही अच्छी तरीके से दिए हैं। तो मेरी आपसे विनती, अगर आपको हमारा स्पोकन इंग्लिश का 62 का स्पोकन इंग्लिश का कोर्स अलोंग विद 4 बुक्स परचेस करना है, तो रिकॉर्डेड कोर्स के लिए आप हमारा यू कैन स्पीक इट ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। हमारे ऐप में बहुत ही अच्छे अच्छे टेक्निक से सीक्वेंस वाइज वीडियोस है। और अगर आपको किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं ना, तुरंत आप क्या कर सकते हो, हमारा द बेस्ट ए टू जेड ग्रामर विद राइटिंग स्किल का कोर्स बहुत ही कम कीमत में परचेस कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको इन फ्यूचर हमसे ऑनलाइन क्लासेस के लिए जुड़ना है तो आप हमसे जुड़ सकते हो, हमसे संपर्क कर सकते हो। और ऐसे मोर देन 1000 क्वेश्चन की लिस्ट हम हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। लेकिन मेरी आपसे विनती, अगर आप बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ोगे, हमारी किताबें साथ में रखोगे, तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन आप तुरंत सॉल्व कर सकोगे, क्योंकि यह जो टॉपिक है आपको किसी भी एग्जाम में, ग्रामर में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ सकता है। ग्रामर में अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकते हो, स्पोकन इंग्लिश में आप में इंप्रूवमेंट हो सकती है। तो आगे के क्वेश्चन के लिए भी आपको तैयार रहना है और स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है।